चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल मे बी कीपिंग वेल एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। ऑलरेडी वी हैव लर्न हाउ टू डू वन डिजिट एडिशन, टू डिजिट एडिशन एंड कैरी एडिशन। हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि वन डिजिट एडिशन कैसे करते हैं, टू डिजिट एडिशन कैसे करते हैं और कैरी वाली एडिशन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि थ्री डिजिट एडिशन कैसे करते हैं। हियर आई हैव रिटन थ्री इन वंस कॉलम, टू इन टेंस कॉलम, फोर इन हंड्रेड कॉलम्स, दैट मीन्स 423 प्लस 312, सो वी हैव टू ऐड। हम लोग पहले जैसे करते थे, फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, वंस का कॉलम को ऐड करते थे, फिर टेंस का कॉलम ऐड करते थे, फिर अभी क्या हुआ और एक आ गया हंड्रेड का कॉलम। तो सेम वे हम लोग करेंगे, फर्स्ट हम लोग वंस का कॉलम करेंगे। तो यहाँ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो वी हैव टू राइट इन वंस कॉलम। नेक्स्ट टेंस का कॉलम कितने हैं, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो वी हैव टू राइट 3। अगेन 100 का कॉलम में कितना है, 4 प्लस 3, सो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सो वी हैव टू राइट 7, दैट मीन्स 423 प्लस 312 इज इक्वल टू 735। वी गॉट द आंसर 735। नेक्स्ट कमिंग टू द वन मोर एग्जांपल्स, हियर इज 6 इन वंस प्लेस, 1 इन टेंस प्लेस, 4 इन हंड्रेड प्लेस, दैट मीन्स 416 प्लस 250। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वंस का कॉलम को सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। हियर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 6, सो वी गॉट द आंसर 666, दैट मीन्स 416 प्लस 250 इज इक्वल टू 666। And coming to the one more example, now you can see here 2 plus 1, 2 plus 2 के साथ में 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 3, so we have to write 3 in ones column। Next 1 plus 3 is equal to 4 and 3 plus 4 is equal to 7. So we got the answer 743. That means 312 plus 431 is equal to 743. Now coming to the 3-digit of addition with carry. थ्री डिजिट एडिशन को कैरी के साथ में हम लोग कैसे करते हैं वो लर्न करेंगे। तो वंस का कॉलम में 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, सो शैल आई राइट हियर 15? नो, यू कैन नॉट राइट 15, टू डिजिट आंसर वी कैन नॉट राइट हियर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट वंस प्लेस नंबर फर्स्ट।
carry over 10th column. Now, we have to count here. 1 plus 8 is equal to 9 and 9 plus 4 is equal to 13. Again, we got the answer 2-digit number. So, same thing we have to repeat. मतलब जो हम लोग पहले करते थे वही हम लोग रिपीट करेंगे. जो वंस का प्लेस में है वंस में राइट करेंगे और जो टेंस का प्लेस में है वो टेंस का कॉलम में राइट करेंगे. तो अभी हम लोगों को कितना मिला है 13. तो हम लोग को टेंस का कॉलम कर रहे हैं तो हम लोग 3 को टेंस का कॉलम में राइट करेंगे और 1 कैरी जाएगा 100 का कॉलम में. नाउ वी हैव टू काउंट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. दैट मींस 286 प्लस 349 इज इक्वल टू 635. Let us see one more example. यहाँ पर 9 ones का कॉलम में है और नीचे कितना है 6. So 9 plus 6 is equal to 50. तो हमेशा ones का कॉलम में जो है वो ones का कॉलम में ही राइट करना है. 5 will come in 1's place. और रह गया कितना 1. तो ये क्या लिया जाए. उसके बाद हम लोग ये तीनों को काउंट करेंगे. 1 plus 4 is equal to 5 and 5 plus 8 is equal to 13. So 3 we have to write in 10th column and 1 will go to carry over 100 place. 1 plus 3 is equal to 4 and 4 plus 2 is equal to 6. So we got the answer 635. That means 349 plus 286 is equal to 635. Let us see the last example. यहाँ पर 5 plus 6 ones का कॉलम में है तो हम लोग ones का कॉलम पहले ऐड करेंगे. 5 plus 6 is equal to 11. So 1 we have to write in 1's place and 1 will go to the 10th column as carry. Now 1 plus 8 is equal to 9 and 9 plus 6 is equal to 15. So now we have to write 5 in 10th column and 1 will come to the carry. Now our duty is to count all these 3 digits. 1 plus 2 is equal to 3 and 3 plus 1 is equal to 4.